हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शीतल्स अन्नपूर्णा किचन। आज हम कैरेमल कोकोनट लड्डू बनाते हैं। आइए अब हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके अंदर हम 1.5 कटोरी शक्कर लेंगे। गैस मैंने ऑन कर दिया है, अब इसे इसी तरह से हम मेल्ट होने देंगे। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा शक्कर मेल्ट होने लगी है। अब हम इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसे सिर्फ मेल्ट करना है, हमें कोई तार इसका बनाना नहीं है। बस अब ये हो चुका है, इससे ज्यादा हम डार्क नहीं करेंगे वरना इसमें फिर कड़वाहट आ जाती है। अब इसके अंदर यहाँ पे मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ये फ्रेश कोकोनट है, उसका जो ब्राउन पोर्शन होता है मैंने निकाल दिया और इसे कद्दूकस कर लिया है। अब मैंने गैस स्लो रखा है, अब इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। मेरे पास यहाँ पे 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम है, वो मैं डाल रही हूँ इसके। अब यहाँ पे 1 कटोरी मिल्क पाउडर, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी इलायची पाउडर, ये बिल्कुल अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाएगा, बाद में हम गैस बंद करेंगे। अभी और हमें 10 मिनट कुक करना पड़ेगा। और 5 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, मुंह में डालते ही पिघल जाते हैं और आपको इसमें दोनों फ्लेवर्स आप एंजॉय कर सकते हैं, कोकोनट का भी और चॉकलेट का फ्लेवर भी आता है। अब ये रेडी हो चुका है, हम इसे कंप्लीट ठंडा कर लेंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, मैंने यहाँ पे हाथों में घी लगा लिया है। अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। इस तरह से हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे।